नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह शपथ समारोह राजभवन में किया गया, जिसमें कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके कुछ विधायक पहुंचे। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। बीजेपी के अनेक विधायक राजभवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शपथ समारोह हुआ। आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1977 से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए। 1990 में पहुंचे विधानसभा। 1991 में पहली बार विदिशा सीट से सांसद चुने गए। 2000 से 2003 तक भाजयुमो के अध्यक्ष रहे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी रहे। 29 नवंबर 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। 12 दिसंबर 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 8 दिसंबर 2013 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वह तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल उन्होंने प्रदेश की जनता पर सरकार चलाई और आज 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराएं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ा काम करने का अवसर देती है। आज मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पर्यवेक्षक के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से जिन्होंने कार्रवाई का संचालन किया,
श्रीमान अरुण सिंह जी सहित केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अपने विधायक भाई और बहनों का भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश नेतृत्व का भी मैं हृदय से आभारी हूं। मन में संकल्प बस केवल यही है कि जो विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने, उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पूरे समर्पण, निष्ठा और परिश्रम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। लेकिन फिलहाल केवल एक लक्ष्य है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक के जनता को सुरक्षित करना, और इसलिए शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मैं इसी काम में जुटूंगा। अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैंने अपील की है, मैं फिर अपील करता हूं कि उत्सव का समय नहीं है, जश्न का समय नहीं है। कोई उत्सव ना मनाए, कोई सड़कों पर ना निकले, घर में रहकर ही भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी सरकार का अवसंचालन हो जनता के लिए, प्रदेश के लिए। लेकिन हम कोई उत्सवी मूड में ना आए, एकमात्र लक्ष्य है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना, कोरोना महामारी को समाप्त करना, उसी काम में लगना है। और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें शक्ति दे ताकि इस महामारी को हम रोक सकें, इसका खात्मा कर सकें। एक बार पुनः हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, विधायक साथियों का और जनता जनार्दन का मैं आभारी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।